गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, माय सेल्फ रीना जारवाल एंड हम माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे हैं एंड हम लोग माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स शेयर कर चुके हैं। अभी हम इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं और उसी पे कंटिन्यू चल रहे हैं। सो आज का जो टॉपिक है वो है मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। सो बेसिकली द इंस्ट्रक्शन यूज टू कंट्रोल वेरियस मशीन ऑपरेशन एंड बेसिकली वी कैन से दैट द वेरियस मशीन ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन आर कैप्ड इन दिस ग्रुप। सो बेसिकली इसमें जो फर्स्ट वन है वो है नॉप, नॉप इंस्ट्रक्शन। सो नॉप इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है नो ऑपरेशन। सो बेसिकली नो ऑपरेशन इज परफॉर्म व्हेन दिस इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड। सो द बेसिक फॉर्मेट फॉर नो ऑप इंस्ट्रक्शन इज एनओपी एंड इन दिस ऑल रजिस्टर एंड फ्लैग्स रिमेन्ड अनअफेक्टेड बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। नाउ सेकेंड वन है हाल्ट, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज HLD। सो दिस इज हाल्ट इंस्ट्रक्शन। सो इन दिस इंस्ट्रक्शन द माइक्रो प्रोसेसर हाल्ट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम एंड एंटर इन टू द वेट स्टेट। सो बेसिकली द एड्रेस एंड डेटा बस आर प्लेस इन द हाई इम्पिडेंस स्टेट एंड हाई इम्पिडेंस स्टेट आपको पता है कि उसमें ना तो वो वन होता है ना ही जीरो होता है। सो बेसिकली एन इंटरप्ट और रीसेट इज नेसेसरी टू एग्जिट फ्रॉम द हाल्ट स्टेट। सो बेसिकली जो इसके लिए फॉर्मेट है इंस्ट्रक्शन का वो है HLT। इसी तरीके से बात आती है थर्ड वन इज STC। STC इंस्ट्रक्शन का मीन्स होता है सेट कैरी इंस्ट्रक्शन। सो सेट कैरी इंस्ट्रक्शन जनरली कैरी फ्लैग को वन पर सेट करता है। सो बेसिकली हम इसका जो फॉर्मेट लिखते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट वो भी होता है STC एंड हम कह सकते हैं कि एक्सेप्ट कैरी नो अदर फ्लैग्स आर अफेक्टेड इन दिस इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है CMC कॉम्प्लीमेंट कैरी। फोर्थ वन इज CMC। CMC का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट कैरी इंस्ट्रक्शन। सो बेसिकली इन दिस इंस्ट्रक्शन इट कॉम्प्लीमेंट कैरी फ्लैग, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं इफ द कैरी फ्लैग इज वन बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन देन इट विल बी रीसेट एंड इफ बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन द कैरी फ्लैग इज जीरो then it will be set after the execution of instruction. So the format for this is CMC. So basically we can say that except carry no other flags are affected in this instruction. Next हमारे पास आता है DI. The fifth one is DI. So DI का मतलब होता है disable interrupt instruction. So DI instruction क्या करता है, it enable flip flop वन सेकेंड, थोड़ा ब्राइटनेस लो हो गई है, मैं इसको थोड़ा मैनेज कर लेती हूँ। सो कंटिन्यू करते हैं, आई थिंक आपको अब अच्छे से नजर आ रहा होगा। सो नाउ DI का मीन्स है डिसेबल इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन। सो बेसिकली द इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप इज रीसेट एंड ऑल द इंटरप्ट ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर एक्सेप्ट ट्रैप आर डिसेबल। सो बेसिकली द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट फॉर द डिसेबल इंटरप्ट इज DI। सो नेक्स्ट वन इज EI। सिक्स वन इज EI। सो बेसिकली EI इज इनेबल इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन। सो इन इनेबल इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन द इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप इज सेट एंड ऑल द इंटरप्ट ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर आर इनेबल्ड। सो विच आर डिसेबल्ड बाय DI इंस्ट्रक्शंस और अदरवाइज इज ऑल्सो इनेबल्ड इन दिस इंस्ट्रक्शन। सो बेसिकली द फॉर्मेट फॉर इनेबल इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन इज
capital E I. So this is the instruction format for enable interrupt. Now seventh one is SIM. SIM का means है set interrupt mask instruction. That is I am set interrupt mask instruction. So in this instruction it is used to mask and unmask 8085 interrupt and send serial output data. So the accumulator is used to load the required data byte before execution of this instruction. So basically the instruction format for this is represented as capital SIM, that is set interrupt mask. Next one is RIM. एट है हमारे पास RIM, R I M. So RIM, so in RIM it is a read interrupt mask. So basically it is read interrupt mask instruction and it is used to firstly read the status of interrupt and secondly it read the serial input data. So basically the status byte is loaded into the accumulator after execution of this instruction. So basically the format for this is RIM. मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि जितने भी मैंने अभी इंस्ट्रक्शंस बताए मशीन कंट्रोल में, इसमें आपके जो लेवल का है जो आपको जनरली याद रखना है वो है हाल्ट, नॉट, सेट कैरी एंड सीएमसी मींस कॉम्प्लीमेंट कैरी. इसके अलावा के थोड़े हाई लेवल के हैं तो सिर्फ आप उनका नाम, उनकी फुल फॉर्म याद रखिएगा एंड बाकी उन चार पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा. नाउ नेक्स्ट वन इज स्टैक ऑपरेशन. स्टैक ऑपरेशन मैंने आपको जब क्लास में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि इनमें से पांच जो इंस्ट्रक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी टू इम्पॉर्टेंट है बट आपके कोर्स के अकॉर्डिंग इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. सो बेसिकली स्टैक ऑपरेशन बहुत हाई लेवल का जो इंस्ट्रक्शन है वो है. इसमें जनरली क्या होता है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशन. So basically the group of memory location is stack and it is part of the same read-write memory and it is used for storing data temporarily during the execution of the program. So basically the address of the stack is stored in stack pointer and the different instruction that is covered in stack operation is load stack pointer. Second one is push. Third one is push PSW. PSW का मतलब है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड. सो बेसिकली जो फर्स्ट हमारे पास लोड स्टैक पॉइंटर है, दिस इंस्ट्रक्शन लोड द स्टैक पॉइंटर रजिस्टर विद द 16-bit डेटा एंड स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन. इसी तरीके से जो पुश है, जनरली इट कॉपीज द कंटेंट ऑफ द स्पेसिफाइड रजिस्टर पेयर इन टू द स्टैक. एंड जो थर्ड वन है, इट इज सिमिलर टू पुश ऑपरेशन बट इंस्टेड ऑफ नॉर्मल रजिस्टर पेयर इट यूजेस PSW मीन्स प्रोग्राम स्टेटस वर्ड एज इट्स ऑपरेंड. इसमें जो आगे है वो है पॉप इंस्ट्रक्शन. इसी तरीके से इससे आगे वाली है पॉप PSW. इसी तरीके से इससे जो आगे हम लोग बात करें तो इसके अंदर आती है XTHL. XTHL का मतलब है जनरली एक्सचेंज टॉप ऑफ द स्टैक विद HL. इसी तरीके से आती है SPHL. सेवेंथ वन है SPHL. सो SPHL हमारे पास लोड स्टैक पॉइंटर विद HL इंस्ट्रक्शन है. सो दीज आर द बेसिक इंस्ट्रक्शन फॉर स्टैक ऑपरेशन. लेकिन स्टैक ऑपरेशन थोड़ा सा मैंने बताया हाई लेवल का इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन है. सो ये इतना आप जितना डेटा कॉपी, अर्थमेटिक, लॉजिकल ब्रांच जितने आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा. ये पढ़ना है बट उनको थोड़ा ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है. सो मैं इसमें जो इम्पॉर्टेंट है उनके बारे में थोड़ा बता देती हूँ.
जैसे बात करते हैं हम पुश की, पुश इंस्ट्रक्शन जो होती है हमारे पास जनरली, तो बेसिकली ये क्या करती है, मैंने जैसा बताया कि इट कॉपी द कंटेंट ऑफ द स्पेसिफाइड रजिस्टर फेयर इन टू द स्टैक। सो बेसिकली जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है वो होता है पुश आर पी, आर पी मीन्स रजिस्टर पेयर। सो बेसिकली इफ अगर किसी ने आपको लिख दिया पुश बी, तो पुश बी का मतलब क्या हो गया, कंटेंट ऑफ बी सी रजिस्टर पेयर आर कॉपी इन टू स्टैक। इसी तरीके से किसी ने लिख दिया पुश डी, तो इसका मतलब हो गया कंटेंट ऑफ डी रजिस्टर आर कॉपीड इन टू स्टैक। इसी तरीके से किसी ने लिख दिया पुश एच, इसका मतलब हो गया कंटेंट ऑफ एच एल रजिस्टर पेयर आर कॉपीड इन टू स्टैक। सो बेसिकली इन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का मतलब होता है ये। इसी तरीके से पी एस डब्ल्यू अगर आ जाए, पुश पी एस डब्ल्यू, तो पी एस डब्ल्यू का जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है वो यही होता है, पी यू एस एच एंड देन पी एस डब्ल्यू, यानी कि पुश पी एस डब्ल्यू। तो बेसिकली यहाँ पर सिंपल रजिस्टर पेयर की जगह पर पी एस डब्ल्यू है, मीन्स प्रोग्राम स्टेटस वर्ड है। सो बेसिकली वी कैन से दैट इन दिस इंस्ट्रक्शन इट कॉपीज द कंटेंट ऑफ एक्यूमलेटर एंड फ्लैग रजिस्टर इन टू दी स्टैक। नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉप। तो पॉप के अंदर क्या होता है, जनरली इट कॉपी द कंटेंट ऑफ द टॉप ऑफ टू लोकेशन ऑफ द स्टैक इन टू द रजिस्टर पेयर। और अगर पॉप पी एस डब्ल्यू आ गया, दैट मीन्स इट बेसिकली जो रजिस्टर पेयर हमने पॉप इंस्ट्रक्शन में यूज किए थे उनकी जगह पर यहाँ पर पी एस डब्ल्यू मीन्स प्रोग्राम स्टेटस वर्ड यूज किया जाता है एज इट्स ऑपरेंड। सो दीज आर द बेसिक ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैक ऑपरेशन। तो आपको जो ध्यान रखना है वो क्या रखना है कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है, मैं स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ इंस्ट्रक्शंस होते क्या हैं, बेसिकली एक कमांड है, किस किस का पार्ट है जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में होता है, ऑप कोड होता है, ऑपरेंड होता है, बेसिकली कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमारे 8085 माइक्रो प्रोसेसर में होती हैं, प्लस कितने इंस्ट्रक्शंस ऑपरेशंस हैं जो हम परफॉर्म कराते हैं, तो बेसिकली मैंने 7 बताए हैं, ब्रांच है, डेटा कॉपी है, लॉजिकल है, अर्थमेटिकल है, मशीन कंट्रोल्ड है, स्टैक है। इसी के अलावा इनके अंदर जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो किसी को भी अभी तक इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप आपकी जो भी ऑनलाइन क्लास होती है उसमें मुझसे पूछ सकते हैं। एंड आपको ये करना है, पढ़ना है, इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप एक बार पढ़ के रीड करना है, इसको लर्न करना है, एंड देन उसके बाद ऑनलाइन क्लास में पूछ लेना। एंड थैंक यू।